दें, बलौदा बाजार जिला के कटसौल नगर में आज साहू समाज भवन में साहू समाज का सामाजिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें साहू समाज के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय राजकुमार साहू को याद कर उनके सामाजिक विचारों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए तहसील साहू संघ कसडोल लवन पलारी के समस्त पद अधिकारी की उपस्थिति में सामाजिक एवं राजनीतिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कसडोल विधानसभा में साहू समाज बहुलता को देखते हुए कसडोल विधानसभा क्षेत्र में 44 से साहू समाज के स्थानीय व्यक्ति को राष्ट्रीय पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने की प्रमुखता से मांग की गई। बता दें, कसडोल विधानसभा में 95,000 साहू समाज के मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा साहू समाज का सम्मान करते हुए समाज में अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी से साहू समाज के प्रत्याशी 50,000 से अधिक मतों से विजयी हुए थे। चूंकि अभी तक बीजेपी द्वारा कसडोल विधानसभा में साहू समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए साहू समाज की मांग है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विभिन्न राष्ट्रीय पार्टी से साहू समाज को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। आज ऐसी कोई बात नहीं है कि साहू समाज एकत्रित होकर साहू समाज के कैंडिडेट के लिए बात किए कि कसडोल विधानसभा में पूर्व से विदित है कि साहू समाज की बाहुलता और साहू समाज की एकता और संगठन से ये निश्चित है कि कसडोल विधानसभा में कोई भी पार्टी साहू प्रत्याशी अगर उतारती है तो उस पार्टी की प्रत्याशी की निश्चित जीत होगी। ये साहू समाज पूर्व की भांति आज भी संकल्पित है। साहू समाज की विधायक है, निश्चित ही साहू समाज के विधायक कसडोल विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, लोगों के घरों में आना जाना मिलना जुलना लगातार है, लेकिन जो टिकटार्थी है टिकट मांगने का अधिकार सबको है। यही वजह है कि एक सामान्य घर की व्यक्ति अगर विधायक बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते करके यहाँ टिकट मांगने वालों की होड़ लगी हुई है। उसके बाद समाज तय करेगी अपनी दिशा दशा। और मैं तो मानता हूँ कोई ना कोई पार्टी साहू समाज के प्रत्याशी निश्चित घोषित करेंगे करके, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि साहू समाज से कोई भी प्रत्याशी किसी को टिकट नहीं देते, उस समय फिर जिला साहू संघ अपना रास्ता अलग बना के चलेगी, अपना रुख अपने हिसाब से चलेगी। जिला नहीं, मैं बिल्कुल भी चुनाव लड़ने का कयास नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समाज को संगठित करने का और समाज को एकत्रित करने का जो दायित्व मिला है, जो जिम्मेदारी मिला है, मैं सिर्फ समाज को संगठित और एकत्रित करने का काम करूँगा।